जब तक होली स्पिरिट को आप अपनी स्पिरिचुअल मेहनत दिखाओगे नहीं कि वो आने के बाद आप क्या करोगे, वो आपके पास क्यों आएगा? समझ रहे हो या नहीं? मान लो कि मैं आपको कुछ दूं, आप मेरे से कुछ चाहते हो कि प्रॉफिट जी मुझे सामान, जब तक आप अपनी प्रेजेंटेशन मेरे सामने वंडरफुल जैसा नहीं करोगे, मैं आपको क्यों दूं? समझ रहे हो कि नहीं? लोग चाहते कि प्रॉफिट जी मेरे को पर्सनल कॉल करे और बात करे, हाँ ये चाहते होंगे, लेकिन अगर आपके अंदर वंडरफुल वर्क नहीं है तो व्हाई शुड आई मैं आपसे क्यों बात करूं? अब अगर सोने वाले हो क्यों बात करूं? खुदा एंजल आपके पास क्यों आएगा? अगर आपको एंजल को बुलाने जैसा काम नहीं किया तो आपके पास आएगा क्यों, बताए कि नहीं? पता है वोट के समय पर सारे एमएलए एमपी आपके पास आते हैं, क्या उसके बाद और आते हैं क्या? मांगने के लिए आते हैं क्योंकि उसमें उसका फायदा है, लेकिन होली स्पिरिट ऐसा नहीं है। होली स्पिरिट देखेगा आपकी लॉयलिटी, आप देखेगा कि आप ये मसले में फंसे हुए हैं या नहीं हो। जो नॉन बिलीवर की जिंदगी आप जी रहे हो, खाली यीशु मसीह को जान चुके, बस फर्क इतना है कि मैंने क्या बताया, दो प्लेटफॉर्म में फर्क इतना है कि ये क्या हो चुका है, ये प्रभु को जान चुका है, प्रभु को नहीं जाना। ये सारी चीजें आपके पास है, बस प्रभु को जान गए, प्रभु को जान गया, प्रभु आपके अंदर आया नहीं, सिर्फ और सिर्फ यू नो जीसस क्राइस्ट, सिर्फ और सिर्फ आप जीसस क्राइस्ट को जानते हैं, बट वो आपके अंदर आया नहीं। और जिस दिन वो आपके अंदर आएगा ना, ये सारे चीजें आपके लाइफ से मिट जाएंगी। आमेन, हालेलुया। इसीलिए फोकस करो, आपके जीवन की जो मेन एम होना चाहिए, पर्टिकुलर ये होना चाहिए कि मैं जीसस क्राइस्ट को फॉलो करूंगा और मैं होली स्पिरिट को बढ़ूंगा, और होली स्पिरिट की जो नीड है मेरे लाइफ पर वो मैं करूंगा। होली स्पिरिट की जो नीड है वो मैं करूंगा। और आपको चाहिए होली स्पिरिट, आपको चाहिए आत्मा, क्योंकि देखो ये है फाउंडेशन, दर्शन देखने की, विजन देखने की और ड्रीम्स देखने की, रेगुलर ड्रीम्स जो आता ही है फाउंडेशन, इसको पूरा करने की, प्रभु में बढ़ने की, ये है फाउंडेशन जिसका नाम है होली स्पिरिट। अगर ये फाउंडेशन आपके पास नहीं, ये मेन प्लेटफॉर्म है दर्शन की, मेन प्लेटफॉर्म बाइबल की वचन को समझने के लिए, परमेश्वर को समझने के लिए, परमेश्वर की काम को समझने के लिए, अपनी कॉलिंग को समझने के लिए, परमेश्वर की काम को करने के लिए, जो फाउंडेशन मेन है होली स्पिरिट, ये फाउंडेशन है, ये फर्स्ट है जो आपको करना होगा। और इसके लिए आपको इस होली स्पिरिट के बारे में जानने के लिए, आपको पढ़ने के लिए, फर्स्ट आपको नीड एक मेंटर, स्पिरिचुअल मेंटर जो नीड होता है कि हमें वो होली स्पिरिट के बारे में समझाए, हमें परमेश्वर के बारे, जैसे आज आपको मैं समझा रहा हूँ होली स्पिरिट का काम क्या है, और जो मेंटर होगा वो आपको होली स्पिरिट के बारे में समझाएगा कि होली स्पिरिट क्या है, कैसे आपके पास आएगा, वो आपको रेडी करेगा कि इस होली स्पिरिट से भर जाओ। और जिस दिन आप ये सारे कैरेक्टर को अपने आप से हटाओगे, देन जब प्रेयर हो गई, जो आपका मेंटर होगा जो मसीह के साथ भरा होगा, जब आपके ऊपर प्रे करेगा, आप आत्मा से जरूर भर जाओ। ये कोई चाय या कॉफी नहीं है जो मैं ग्लास पर भर के लाऊं और आपके ऊपर डाल दूं, ये मत सोचना। ये वो कॉफी और चाय है, जब तक आप अंदर से ये चीजें नहीं हटाओगे तब तक ये आपके अंदर में जितना डालो आएगा नहीं। हालेलुया। और ये होली स्पिरिट भी बहुत चीजें देखता है कि आप मेंटर की बात मानते हो या नहीं मानते, तो देखता है, क्योंकि वो बोलता है पवित्र आत्मा क्या है, अधीन की आत्मा है, आज्ञाकारिता और डेडिकेशन वाली स्पिरिट है। अगर आप एक इंसान जो आपके लिए खुदा ने भेजा, अगर उसकी बात माने, उसके अंदर से एनोइंटिंग कभी भी आपके पास ट्रांसफर नहीं हो सकती, उसके अंदर से 1% की चीज आपके पास ट्रांसफर नहीं हो सकती। अगर आप उसके टीचिंग्स को लेते नहीं, अगर आप उसकी बातों को मानते नहीं, तो कभी ये मत सोचना कि इस पर्सन से मुझे कभी ब्लेसिंग मिल जाएगा, अगर मानते नहीं। हालेलुया। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों जो बात मानोगे नहीं, आएगी नहीं पावर, आपके पास आएगी नहीं ड्रीम्स, आपके पास आएगी नहीं, लेकिन जो जितना मानेगा उसके ऊपर उतनी ग्रेस आएगी, जो जितना रिस्पेक्ट करेगा उसके ऊपर उतनी मसा आएगी।
क्योंकि होली स्पिरिट को सबसे ज्यादा यही बात पसंद है, मैंने डेडिकेशन, एक फिजिकल पर्सन जिसके साथ ऑलरेडी होली स्पिरिट है और जो परमेश्वर के लोगों के लिए काम कर रहा है, जब वो डेडिकेशन देखता है तो वो जानता है हाँ, ये अगर बिना होली स्पिरिट में इतना अपने मेंटर की आदत करे तो आज मैं इसकी मेंटर के जरिए से इसको आत्मा से भरूं। जो आपको आत्मा से भरने वाला है, अगर आप उसकी बात को नहीं मानते, आप अपने आप में परमेश्वर बन जाओगे, तो परमेश्वर कभी आपको डायरेक्ट होली स्पिरिट नहीं दे सकते। वचन कहता है सारे लोग मिलके उस समय प्रार्थना कर रहे थे। आप बोलते कि लोग वहां पर इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे तभी उनके अंदर होली स्पिरिट आ गया, नहीं, लोग वहां पर इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे, उसके अंदर यीशु मसीह के चेले थे। पेंटिकोस्टल के दिन पर कौन था? यीशु मसीह के चेले थे और सारे वहां पर लोग थे, राइट। तो हम लोग वचन को जब पढ़ते हैं, हमको लगता है कि हम भी जब इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे तब हमारे ऊपर होली स्पिरिट। अगर परमेश्वर का कोई एनॉइंटेड पर्सन जो जिसके साथ परमेश्वर चल रहा हो, अगर वो आपके साथ है नहीं, आप उसकी गाइडेंस पर नहीं चलते, आप उसकी बातों को नहीं मानते, तो ये जो होली स्पिरिट है कभी भी आपके पास आ नहीं सकता।